माची कबीला हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी में पाए जाते हैं, जो हिंदुस्तान की रियासत गुजरात और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं। उन्हें मछियार भी कहा जाता है। मछियार एक माहीगीरी बरादरी है जो गुजरात के साहिली इलाकों में कच्छ से जनूबी गुजरात तक तकसीम होती है। कहा जाता है कि वो सबसे पहले गुजरात के तारीखी दारुल हुकूमत पटन में आबाद हुए। पहले ये बरादरी सिंध से आई थी और मिला कबीले से ताल्लुक रखती थी। वो आपस में कच्छी बोलते हैं। दूसरी रवायत के मुताबिक वो खारवाजात से मुसलमान होने वाले हैं। माहीगीरी माछी बरादरी का रिवायती पेशा है। वो अपने रिवायती दस्तकारी का इस्तेमाल करते हुए बहेरा अरब से मछलियां पकड़ते हैं, जिसे होरी कहते हैं। वो तीन और चार अफराद के ग्रुप में समंदर की तरफ जाते हैं। इसके बाद मछली को मेमन अबडला बरादरियों को फरोख्त किया जाता है। दीगर मुस्लिम कारीगर जातों की तरह उनकी जात की काउंसिल है, जो बरादरी पर मजबूत समाजी कंट्रोल बरकरार रखती है। ये बरादरी आपस में ही शादियां करते हैं, लेकिन मकरानी और मलिक बरादरियों के साथ बाज शादियों के वाकयात भी हैं, और शादियां ज्यादातर करीबी रिश्तेदारों के दरमियान होती हैं। एक और रवायत के मुताबिक तमाम माछी का नस्ल अरबों से ताल्लुक रखते हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ हिंदुस्तान आए थे और वहां ये सल्तनत अरब के सहराओं में मुसाफिरों और ताजिरों के लिए बनाए गए मुसाफिर खानों के लीडर होते थे। साथ में सरहदी इलाकों की हिफाजत का फरीजा भी सर अंजाम देते थे। उनके कबाइल पूरे अरब में आबाद थे और अरब नस्ल थे। तारीख में उनका ताल्लुक दाई हलीमा सादिया और हजरत अली के एक आजाद करदा गुलाम इब्न कमर से बताया गया है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये कबीला 712 हिजरी हिंदुस्तान में आए थे, जो कि लश्कर के जंजू हिस्से में शामिल था। फतह के बाद इस कबीला के कुछ लोग सिंध में ही आबाद हो गए और यहां भी अपने रिवायती काम से मुंसलिक हो गए। आने जाने तिजारती और मुसाफिर काफिलों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया। यहां पर उनका जो खानदान आबाद हुआ वो तमाम सोलंगी की औलाद थे, इसलिए तमाम माछी सोलंगी कहलाते हैं। सोलंगी अरब का एक कदीम कबीला था। शुरू शुरू में ये सोलंगी ही, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ माछी मशहूर हुए, क्योंकि कदीम सिंधी और हिंदी जबान में माछी पानी पिलाने वाले को कहते थे। बाद में ये लोग यहां से नकल मकानी करके पंजाब की कई इजला और गुजरात की रियासत में बहुत बड़ी तादाद में आबाद हुए। स्टेट ऑफ माच का सिंध पंजाब सरहद पर वाकई एक इलाका है, जो कि पहले सिंध और अब पंजाब के हदूद में आता है, जहां सोलंगी माछी वडेरों का राज है। ये वही जगह है जहां ये सबसे पहले आबाद हुए थे, और ये सोलंगी माछी का गढ़ है। यहां के माछी अपने नाम के साथ सरदार अमह लिखते हैं और समाजी लिहाज से बहुत ताकतवर हैं। इसके अलावा सोलंगी अमाछी पूरे पंजाब में आबाद है, खास तौर पर झंग, बहावलपुर, राजनपुर और मुल्तान में उनकी काफी तादाद पाई जाती है। तारीख के मुताबिक सोलंगी खोखरों, डेडेयों, मलिकों के भी आबाओ अजदाद है, इसलिए ज्यादातर माछी खुद को खोखर, डेडे और अमलिक कहते हैं। मगर ये तीली मलिक नहीं बल्कि सोलंगी है, और उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं और उनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात पाए जाते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि माछी कोई कौम नहीं बल्कि एक पेशा है। माछी हिंदी का लफ्ज है जिसका मतलब खिदमात सर अंजाम देने वाला। पाकिस्तान बनने से पहले जब हिंदुओं की कोई शादी या वफात होती थी तो ये लोग उनके मेहमानों को खाने पिलाने की खिदमत के फराइज सर अंजाम देते थे, और हिंदू उनको कुछ नकदी और खाने की अशिया बतौर उजरत देते थे। अब भी पाकिस्तान में इनमें से कुछ लोग ये काम करते हैं।